एक गाड़ी थी महाराज पास ही, उसमें गाड़ी की किताब, हाथ की बनी हुई किताब थी, उसमें इंडोवर गाड़ी थी, उसमें उसका मॉडल नहीं लिखा था। तो मैंने कहा ये मॉडल आरटीआई साहब को गाड़ी वेरीफाई करता हूँ, कितने वाला आप मॉडल वो लेके इधर आया आरटीआई साहब का। उसको आरटीआई साहब ने मुझे बुलाया साहब से जी ने, मैं भी आया, यहाँ आया तो यहाँ वहाँ गाली वाली बकनी लगा, उसमें फाइल थी साहब की टीवी पर फेंक दी। उसके बाद मैं चला गया अपनी कमरे में, बैठ गया, आया पीछे से धोखे से पता, उससे पहले कोई बहसबाजी हुई थी? नहीं कुछ नहीं भाई, यही हुई होगी साहब आगे मॉडल मॉडल बोले वो कह रहा था छोटे मॉडल की है। साहब ने कहा कि मॉडल में कैसे बताऊँ क्या मॉडल है, मॉडल के आधार पर ही कीमत रहती है गाड़ी की, और कीमत के आधार पर ही टैक्सी करना होती है। जी एम अखबार टैक्सी पर गाड़ी टैक्स गाड़ी का जो टैक्स है महाराज पास जी, गाड़ी का टैक्स मॉडल के आधार पर कीमत निकलती है, कंप्यूटर में लिए कीमत का, और कीमत के आधार पर टैक्स यहाँ का दबाव दो लोग आते हैं। अच्छा क्या क्या नाम था? नाम तो मेरे को एक तो इलियास थे भाईजान, उनका बेटा क्या क्या नाम था उसका, रियाज रियाज और एक और था, तो सी सी टी वी डेट में है उनके। सब इंस्पेक्टर तरुण सिंह जी सर, ये कल लड़ाई हुई थी अपना आर टी ओ ऑफिस से, और किसी बाबू को बात किया था किसी कुलदीप नाम के व्यक्ति ने, और उसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं, उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी के प्रयास जारी है, उसकी तलाश की जा रही है, टीम गई है रवाना है थाने से, और जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हमारे सरकार का काफ़ी काम रुका हुआ है, उस वजह से क्योंकि जो लोग हड़ताल पर बैठे हुए आर टी उसकी तो हमें जानकारी नहीं है अभी कि वो हड़ताल पर बैठने या नहीं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर बात हुई तो कम से कम 500 वाहनों का काम रुका हुआ, मतलब एक दिन में 500 वाहन का काम रुक गया है, तो अगर दो दिन में अगर हड़ताल चली तो काफ़ी नुकसान हो सकता है सरकार। इस विषय में तो अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनकी हड़ताल किस कारण से वो हड़ताल कर रहे हैं, जैसा उनसे बात हुई है हमारी जिन्होंने जो प्रयादी है चतुर्मुखी राय थी, उन्होंने बताया था कि मैं उस आरोपी का एड्रेस वगैरह भी आपको आके बता देता हूँ, और उस एड्रेस उन्होंने हमें जो पता एड्रेस उस आधार पर हमने टीम रवाना की हुई है।